हेलो बच्चों, तो आपकी आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे ई की मात्रा वाले शब्द, छोटी ई की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, ई की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों, अब हम इन चित्रों को देखकर बताएंगे कि ये चित्र किसका है। चित्रों को देखकर बताइए कौन हैं हम। तो चलिए, तो बच्चों बताओ ये चित्र किस चीज का है। वेरी गुड, ये चित्र पहिए का है, जो कि मोटरसाइकिल, साइकिल, कार एक्सेट्रा चीजों में लगाया जाता है। तो चलो बच्चों, अब हम इसकी स्पेलिंग देखते हैं। प इ ह य आ पहिया। नेक्स्ट इज डाकिया, जो हमारे घर में हमारे कुरियर्स, पोस्ट कार्ड वगैरह पहुंचाता है, उसे हम पोस्टमैन यानी डाकिया कहते हैं। चलो इसकी स्पेलिंग देखते हैं। डा आ ई क य आ डाकिया। नेक्स्ट इज सियार, यह एक जंगली जानवर है। ई स य आ र सी आर। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, केवल पठन हेतु, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द छोटी ई की मात्रा वाले दिए गए हैं, जिनसे हमें छोटी ई की मात्रा के शब्दों का पता चलेगा कि छोटी ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है व किन शब्दों में लगाई जाती है। तो चलो इन्हें मेरे साथ दोहराओ। निधि, चिड़िया, पिन, किशमिश, दिल, तकिया, हिरन, किताब, पिकनिक, सिर, हिसाब, तिल, खटिया, तिथि, तिथि यानी तारीख। तारीख में बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है, श्रुत लेख। तो चलो बच्चों, अब हम ई की मात्रा वाले शब्दों का लिखित रूप में प्रयोग करते हैं। लिपट, ई ल प ट, लिपट। सला, ई स ल आ सला। हिला, ई ह ल आ हिला। हिसाब, ई ह स आ ब हिसाब। नेक्स्ट इज गति, दैट मीन्स स्पीड। आप किस स्पीड में स्कूल से घर जाते हो, किस गति से घर से स्कूल आते हो। तो बच्चों ये थे कुछ शब्द ई की मात्रा वाले, तो आगे इनका अभ्यास आप अपनी किताब में करें। तो बच्चों चलो अब हम ई की मात्रा वाले शब्द कुछ कविता व कहानी के जरिए सीखेंगे। दिन निकल आया, दैट मीन्स सुबह हो गई। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। दिन निकल आया, दिन निकल आया, किरण अब जाग, चादर तकिया रख, खटिया उठा, मालिश कर, फिर नहा, नितिन जतिन किशन व बिशन आ गए। नितिन सितार लाया, किशन गिटार लाया, राम भजन कर, फिर सब मिलकर खाना, नितिन अब किताब ला, कविता पढ़। दिन निकल आया,
किसान काम पर निकला। चिड़िया गाना गा, चिड़िया तिनका ला। सिमरन भाग कर जा, चिड़िया पकड़। किरण गाना बजा। तो बच्चों, जैसे आपने देखा इस कविता में व इस कहानी में दिन, निकल, तकिया, किरण, खटिया, फिर मालिश, जतिन, नितिन, किशन, गिटार, किताब व इत्यादि शब्द में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों, हम अगली कविता पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डाकिया अब चिट्ठी लाया। यह रवि का निवास था। रविवार का दिन था। डाकिया साइकिल पर आया, टिकट लगा, लिफाफा लाया। किसका पत्र आया? शशि लिफाफा दिखा। पत्र विकास का था। पत्र पर हमारा पता लिखा था। तो बच्चों, इस कविता में रवि, निवास, रविवार, साइकिल, डाकिया, टिकट, किसका, दिन, लिफाफा, विकास, लिखा इत्यादि शब्दों का प्रयोग ई की मात्रा के साथ किया गया है। तो बच्चों, अब आप लोग ई की मात्रा का प्रयोग अपनी किताब में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना सीखा है। तो चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास कार्य। जरा बोलिए, स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न एक, दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। डाकिया, चिड़िया, साइकिल। आप में से किस किस को साइकिल चलानी आती है? साइकिल चलाने से हमारा वजन व हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। बिटिया, पहिया। इन शब्दों के जरिए आपको पता चला ई की मात्रा का प्रयोग किन किन शब्दों में व किस किस जगह किया जाता है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा लिखिए, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न दो, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, सिमरन भागकर क्या पकड़ने गई? वेरी गुड, चिड़िया। ख, डाकिया किस दिन आया? मंगलवार को? नहीं, रविवार को। ग, भजन कौन कर रहा है? किरण भजन कर रहा है। नहीं, सिमरन भजन कर रहा है। प्रश्न तीन, दिए गए चित्रों को पहचान कर शब्द पूरे कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को पहचान कर आपको इनके शब्दों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चिड़िया, दिस इज, ये एक चिड़िया का चित्र है। च, छोटी ई की मात्रा। ई, ल, या, चिड़िया। नेक्स्ट इज तकिया। त, ई, ई पे छोटी ई की मात्रा। क, या, तकिया। नेक्स्ट इज साइकिल, जो आप सबको चलाना पसंद है ना? स, आ, ई, क, इल, साइकिल। सो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चार, चित्र पहचान कर उनका नाम लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं व उनका चित्र दिया गया है। आपको इन चित्रों को पहचान कर इन वाक्यों में भरकर ये वाक्य पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, राधिका साइकिल।
मत चला। नेक्स्ट इज हरी किताब पढ़। नेक्स्ट इज नमिता खटिया पर बैठ। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इन प्रश्नों को हल कीजिए। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, अपनी कक्षा में पढ़ने वाले किन्हीं 5 बच्चों के नाम लिखिए जिनके नाम में ई के मात्रा का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आपके जो मित्र हैं, आपके जो सहपाठी हैं, उनके नामों को आपको यहाँ लिखना है जिनके नाम में ई की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे मेरा नाम अनुष्का है, मेरे नाम में ई की मात्रा का प्रयोग नहीं है, तो मैं यहाँ पर वो नहीं लिख सकती। आपको उन्हीं सहपाठियों व उन्हीं मित्रों के नाम लिखने हैं जिनके नाम में ई की मात्रा का प्रयोग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इन चित्रों को पहचानकर इनके नामों के साथ इनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चित्र किसका है? अच्छा, तो ये बताओ, डाकिया आपके घर में क्या लेकर आता है? लिफाफा। वेरी गुड, यह चित्र लिफाफे का है। नेक्स्ट इज, ये क्या है? किला। सो किला। ये चित्र किस जानवर का है? हिरन का। ये चित्र बछिए का है, तो हम इसको बछिए से मिलाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जरा रंग भरिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। तो रंग भरना तो हम सबको पसंद होता है, वह तितली इतनी खूबसूरत दिखती है। तो और तितली रंग बिरंगी भी होती है, किसी की तितली नीली, किसी की गुलाबी भी होती है। तो बच्चों अब आप अपने अनुसार अपनी इस तितली में रंग भरेंगे व अपनी अपनी किताबों में। So that's all for today. आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक न्यू चैप्टर के साथ। तो बच्चों बाय।